आज पूरे देश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर हरियाणा में रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी किया गया, जिसमें सूबे के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी शिरकत की। भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल जयंती के अवसर पर गुरुग्राम में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। एकता और संप्रभुता के संदेश से सराबोर इस दौर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित 2500 लोगों ने हिस्सा लिया। सुबह 8 बजे से शुरू इस आयोजन की एकता की दौड़ ताऊ देवीलाल स्टेडियम से शुरू हुई। वहीं इस मौके पर सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार को मजबूत और स्थायी बताया, तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधा। हरियाणा प्रदेश इतिहास बताता है कि जब भी जनसंघ चौधरी देवीलाल जी के साथ में, जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी चौटाला साहब के साथ में स्टेबल और मजबूत गवर्नमेंट बनी, मगर आज तक का इतिहास है कि खरीद फरोख कर कर जैसे कांग्रेस चली है, सबको पता है कि किस तरीके से गुड़गांव को बेचा गया, किस तरीके से CLU गैंग ने अपना काम किया। तो मुझे लगता है कि पहले CLU गैंग को अपने गिरबान को देखना चाहिए रादर देन कि एक प्रदेश में स्टेबल गवर्नमेंट चले उसके ऊपर आरोप लगाएं। गुरुग्राम में होने वाले इस आयोजन में विशेष रूप से सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए डिप्टी CM ने युवाओं को एकता की शपथ दिलवाई और कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को आजाद कराने के साथ देश को एकता के सूत्र में बांधा था। देश के युवाओं को आज पटेल की नीतियों पर चलकर एकता की बात को ग्रहण करने की जरूरत है। जिसने देश को आजादी दिलाने के लिए अलग अलग रियासतों से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व के अंदर जो एकता दिखाकर यूनाइटेड इंडिया बनाने का काम किया, एक देश की एकता दिखाई, उनको नमन करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को इतिहास से ये सीखना जरूर चाहिए कि किस मेहनत के साथ, किस संघर्ष के साथ लौह पुरुषों ने इस देश को आज़ाद करने में और यूनाइट करने में जो कदम उठाए, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ। वैसे तो रन फॉर यूनिटी पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन साइबर सिटी में मनाई जाने वाली रन फॉर यूनिटी कई मामलों में अहम है। इसमें गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से शुरू हुई इस दौड़ में देश विदेश के कई लोगों ने हिस्सा लिया और एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में अहम योगदान देने की बात भी कही। गुरुग्राम से टोटल न्यूज के लिए